धनबाद के बरोरा में बुधवार को दिन दहाड़े गोली मारकर एक युवक की जान ले ली गई। घटना बहुत ही दिलेरी से की गई। घटना दिन के 2 से 3 बजे के बीच की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धीरज रवानी बरोरा के अपर मदरा गांव के काली मंदिर के पास खड़ा था, तभी वहां पीकू ठाकुर पहुंचा और ताबड़तोड़ गोली मारना शुरू कर दिया। लोग हल्ला करते रहे और पीकू ठाकुर गोली मारता रहा। धीरज रवानी को 3 गोलियां मारी गई, वो वहीं गिर गया। आनंद फानन में उसे उठाकर कतरास नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली मारने के बाद पीकू ठाकुर जंगल की ओर भागने लगा। तब तक पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस भी पीछा करना शुरू किया। पीकू ठाकुर आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे भागती रही। अंत में पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके पास से जैसे की खबर है देसी पिस्तौल और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। लाश को गाँव ले जाया गया। गाँव वाले आक्रोशित है, लाश को उठाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि गोली मारने वाले को उनके हवाले किया जाए, तभी लाश उठने देंगे। पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई है। पीकू ठाकुर मनमड़ू किस्म का युवक बताया जाता है। गोली क्यों मारी, क्या विवाद था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो मुखिया जी का गाड़ी लेके गए थे तारापीठ मंदिर, बोले मंदिर जा रहे हैं, और वहाँ से आए तो उतरे गाड़ी से गोली मार दिया। कितना गोली मारा? 3 गोली। 3 गोली। किसी पे शक है क्या? हम तो नहीं जानते, हम तो नहीं जानते। मैंने खाली उतरे यार गोली मार दी। हाँ। कोई बात नहीं हुई थी, कोई बात ऐसा, कोई झगड़ा नहीं? वैसा हमको कुछ नहीं पता, हम सिर्फ हम घर में थे, हमको आके कोई बोला कि देखिए आदमी को कोई गोली मार दिया। मतलब गाड़ी के अंदर में? गाड़ी से उतरे तब। अच्छा, गेट के बाहर। और ये कौन से गाड़ी में थे? मुखिया जी का गाड़ी। अच्छा, मुखिया जी भी थे साथ में। और ये आपका नाम क्या है? चांदनी देवी। आप उनकी धर्मपत्नी हैं?